कांग्रेस जमात की जानिब से जिला बारामूला के शीर जनफिरन इलाके में कारकुनान की एक मीटिंग मुनक़द हुई है, जिसकी क्यादत साबिका वज़ीर ताज मोहियुद्दीन ने की है। इस मीटिंग में दीगर सीनियर रहनुमाओं के अलावा सैकड़ों की तैदाद में कारकुनान ने शिरकत की है। इस दौरान ज़रा अबलाग से गुफ्तगू करते हुए ताज मोहियुद्दीन ने कहा है कि हर तिरंगा घर तिरंगा मुहिम के मुतलक उन्होंने कहा है कि वह सबसे पहले अपने घर पर ही तिरंगा फहराएंगे, लेकिन भारतीय आईन ने जो हकूक लोगों को फराहम किए हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। उन्होंने तमाम जमातों से अपील की है कि वह इंतखाबात में शिरकत करें, ना कि इसका बायकाट करें, क्योंकि उनके बायकाट के फैसले से बीजेपी को फायदा पहुँचेगा। लेकिन वाइट कांग्रेस जमात एक ऐसी जमात है कि जो बीजेपी के साथ कभी ना जाएगी और ना कभी जा सकती है। काम करना आपका ऐसी मुलाजिम क्या है, आपका खुल तो ऐसे बात करेंगे। जो आईन ने हमें हकूक दिए हैं, जो बराबरी के हकूक दिए हैं, वो हमें मिलने चाहिए। आने वाली असेंबली के इंतखाबात जो हो रहे हैं वो तो नवंबर दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तकरीबन दिया हुआ है, अफसरों की ट्रेनिंग भी हो रही है, तो अब इलेक्शन बदलने की तो कोई बात ही नहीं। और हिंदुस्तान की सरकार तो पहले ही कह चुकी है कि हालात ठीक हैं, और मेरा यही होगा सबसे कि बायकॉट ना करें। मगर माहौल ऐसा बना दिया है बीजेपी ने कि आज मेरे जैसा जो सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर रहा हो उसको भी डर लगता है। वो कहता है कि क्या पता मुझे क्या हो जाए, बच्चों की फिक्र रहती है जो बाहर है। हर बात में कश्मीरी को पकड़ा जाता है ऐसे जैसे गद्दार है। हम गद्दार नहीं, हमार इनसे बेहतर नेशनलिस्ट है, हम हिंदुस्तानी हैं रहेंगे। यहाँ कह के गया हूँ, भारत को भी सबसे पहले मेरे घर पर झंडा लगा। झंडे का क्या, हम तो है हिंदुस्तानी, उसमें कहने से तो नहीं। हम इनसे बेहतर नेशनलिस्ट हैं, जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं हम इनसे बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने हर घर तिरंगा मुहिम